टेचर है वो जैसा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बड़ा खतरनाक सीन है। जा जा। कपड़े खराब हो जाने भाई। ये हमारी पांचवी लिफ्ट है, चौथी लिफ्ट। ये हमारी चौथी है, चौथी लिफ्ट है। और शाबाश। चलो पहुंच भाई, बस इतने जाना भाई। चंगा छक्का लगा। ये तो हमें डेढ़ घंटा पहले अफतारी से वहाँ पहुँचा। हमारे दिल में यही था कि रस्ते में जो है ना, हम हिम्मत हार देंगे, वापस आ जाएंगे। हमारी सूरतें ऐसी थी, हम किसी ने लिफ्ट नहीं देनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वजह से मिली है आपको। और रहने दो, मैंने मास्क उतारा हुआ ना, तो मेरी सूरत रास्ता बड़ा खराब है, बड़ा रास्ता खराब है। टोटली रोड जो है ना, ये रेलवे लाइन से जो रेलवे लाइन हमने क्रॉस किया ना, उससे आगे बिल्कुल गंदा रोड था। फिलहाल असर की अदाने आ रही है इस मस्जिद में। तू आ जल्दी आ जाए। तो फाइनली हम दोनों पहुंच गए हैं। हमारा जो सर्वाइवल चैलेंज वो हुआ कंप्लीट। अगर इंसान के इरादे पुख्ता हों तो इंसान क्या कुछ कर नहीं सकता। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े के साथ हमने ये चैलेंज किया है कंप्लीट। अब हम पहुंच गए हैं दरबार शाह जीवना। तो अभी यहां से तकरीबन है आधा एक किलोमीटर आगे, डेढ़ घंटे में यानी कि लिफ्ट के साथ हाँ दरबार पे पहुंचे हैं। रोज़ा भी अफ्तार करना है, देखते हैं सहरी में हमें क्या मिलता है, अफ्तारी में क्या मिलता है। और रात को रिहाइश भी ढूंढनी है सोने के लिए, दरबार पर सोना है ना। तो बाकी जो भी प्लान है वो अगले व्लॉग में आएगा, तो देखते हैं आगे हमारे साथ क्या होता है। आ तो हम गए हैं, घर से निकल आए हैं, तो बाकी असर की नमाज जाके पढ़ते हैं पहले, असर की नमाज भी पढ़नी है। जी फाइनली हमारा तीसरा व्लॉग स्टार्ट हो गया है जी। हाँ दार फैज भाई, इस टाइम आप सर्वाइवल चैलेंज। तो यही 20 रुपए एक्स्ट्रा थे, वो एक फकीर को रास्ते में दिए थे और दूसरे ये 10 रुपए हमने दिए हैं। तो इस तरह ये हमारे पास 20 रुपए थे, उसके अलावा हमने 0 रुपया खर्च किया। अभी हम फाइनली पहुंच गए हैं दरबार पर, लोग हैरानगी से देख रहे हैं हमको, खूबसूरत लोग, उन्होंने कभी पहले नहीं ना। ये जो महीना होता है ना चैत्र का, अच्छा ये महीना दरबारों का यानी कि चैत्र का महीना है ना, इस वजह से लोग जो है ना यहाँ पर सलाम करने आते हैं। तो इस वजह से ये ना दुकानें खुली हुई हैं, आपको नजर आ रही हैं। इसको क्या बोलते हैं फ्रूट? इसे लाची दाना कहते हैं, और इस जैसा किसी और दरबार पे नहीं मिलता। बड़ा इसका साइज बड़ा होता है, लाची दाना। बाकी ये बिल्कुल सामने है दरबार का मेन गेट। ये दरबार के अंदर दुकानें खाने पीने की, बाकी खिलौने वगैरह की। तो ये दुकानें आपको नज़र आ रही हैं, आपको अंदर चलकर विज़िट करवाते हैं। यहीं पर हमें स्टे करना है ना इधर ही। और एक जो बड़ा हाथ हुआ है फरूख के साथ, कौन सा? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है इस वक्त। ठीक है, इस तरह के अंदरूनी मनाजिर हैं, बिल्कुल वाइट लगा हुआ है ये मार्बल। इस साइड पर पूरा आप देख सकते हैं मार्बल वाइट नज़र का आपको नज़र आ रहा है। ये टोटली फर्श, यहाँ पर जब उर्स होता है ना बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा, इतना रश होता है ना, बंदा जो है ना एक बार गुम हो जाए ना बड़ी मुश्किल से मिलता है, बहुत ही रश होता है यहाँ पर। सालाना उर्स होता है यहाँ पर, मेरी वीडियो एक वायरल हुई थी जब यहाँ छत पर हमने बनाई थी, यहाँ जब चिराग की रस्म अदा की गई थी। इस तरह का अंदरूनी मनाजिर है। फरोग पहले नमाज अदा करते हैं,
किस साइड पर जाना है? उस साइड पर, ये सामने मस्जिद है। पहले यहाँ पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, नमाज अदा करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या सीन है आगे हमारा। तो अभी तक हमारे पास मौजूद है, हमारा सफ़र जो है ना रिवाइवल चैलेंज वाला वो भी कंप्लीट हो गया है। अब ये आप देख सकते हैं अभी तक वही नंबर जो आपको हमने पहले वीडियो में दिखाया था, वो इसी नंबर के साथ हम मौजूद हैं। क्या करना फिर, खुशी में लगाएंगे ना, खुशी में लगाएंगे। आपको अंदर चलकर जो है ना टूर करवाते हैं दरबार का। यहाँ के जो वली हैं शाह जीवना रहमतुल्लाह अलैह, उनकी कब्र कलर है ना ये वाला। हाँ। अच्छा, इसके अंदर हमारी बिरादरी यानी कि काम आजाद का। अच्छा, आपकी जो कास्ट है जात कौम? हाँ, काम आजाद। हाँ। इस जगह पर। हाँ। ये कब्र, एक कब्र है? एक कब्र। तेज तेज बोलो, तेज तेज बोलो। हजरत पेशा जी, उन्होंने ना कहा था इससे कि मांगो जो मांगना है, तो इन्होंने कहा कि मैं हमेशा आपको चरणों में ही रहना चाहता हूँ। अच्छा, तो आप अंदरूनी मनाजिर हैं कुछ, एक सारी की सारी कच्ची कब्र है। अच्छा, ये हजरत शाह जीना करोड़िया रहमतुल्लाह अलैह की है। ये लिखा हुआ है। अच्छा, ये मोहम्मद गौस शाह रहमतुल्लाह अलैह। ये बात की जो मखदूम फैसल के, मखदूम फैसल साले याद के वालिद। मतलब कोई सारी वाला निजाम होता तो बार बार मस्त होता है। किस मस्जिद में अफ्तारी होती है, तो हमने फुल कोशिश करनी है कि हमारा एक रुपया भी ना खर्च हो, जो हमारा चैलेंज है। नहीं भाई, वो पहुंचने तक का यानी क्या? नहीं, वापस भी हमने ट्राई करने के, ये हमारा पैसे बच जाए। हाँ, वो तो एक नंबर की कंजूस है। अभी हम दरबार के आते से बाहर निकल आए हैं, बाहर का आपको थोड़ा सा टूर देते हैं। तो ये फ्रो क्या आगे मोड है, किधर जाएँ? अफ्तारी में तो काफ़ी टाइम रहता है, 50 मिनट रहता है। 50 मिनट रहते हैं आप? तो कहता हूँ इतना तक हो के आ जाए। किधर जाएं? शाहजीवना शहर में। हाँ। वो ज़्यादा नहीं सफ़र बनता, लेट ना हो जाए अफ्तारी से। इसको बचाना है, हमने फुल कोशिश करनी है कि हमारे भाई आने तक था ना। नहीं नहीं, जाने के लिए नहीं, जाने के लिए ट्राई करनी है भाई। यार मुफ्त में अफ्तारी मिल जाए तो, मुफ्त में मैं आपके साथ इतना टाइम तो स्पेंड नहीं कर सकता ना। तो 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 पार्टी बदल ली कमीने, बगैर किराए के आना था। नहीं, बाकी ये खाने पीने या इस तरह का कोई यानी कि चैलेंज नहीं हुआ। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि ये किसी न किसी तरह 1000 रुपया हमारा बच जाए। Much later. यहाँ पर जो है ना हम रेस्ट करने आए थे और अफ्तारी का टाइम हो गया है, तो यहाँ पर रोज़ अफ्तार करेंगे, उसके बाद देखेंगे। फीवर तो आपको बता दें स्टोरी, हम अभी टाइम हुआ है रात के 8:21 हो गए। हम गए थे एक यहाँ पर हैं पीर साहब, उनके से मिलने गए थे, वैसे सलाम दुआ कर पीर साहब को फरोह के मिलना था, तो वो कहीं गए हुए थे। तो उनके जो है ना भाई बैठे थे या कोई और शख्स मिला में, तो उसने कहा कि आप वेट करें, वो अभी जो है ना मतलब अफ्तारी के बाद आ जाएंगे। हमने कहा ठीक है, हम वेट करते हैं। फिर हमने कहा कि हम चलते हैं जो है ना, आप रोज़ा भी अफ्तार करना है। हम इजाज़ा लेने लगे, उनके भाई साहब ने कहा कि नहीं आप यहीं ठहरें, आपको हम रोज़ा भी अफ्तार करवाएँगे। हमने कहा चलो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हमने वहाँ पर रोज़ा अफ्तार किया, तो उसके बाद हमने वहाँ नमाज पढ़ी। फिर जो है ना वो पीर साहब जिनके लिए ये स्पेशली गए थे मिलने, वो आए, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि आपने जो है ना खाना यहीं से खा कर जाना है, तो वहीं पर हमने खाना खाया है, बड़ा अच्छा खाना था। तो उससे फ्री होकर अब हम दोबारा दरबार के अंदर आ गए हैं। गेट पर हमने चेकिंग करवाई है, आईडी कार्ड उनको जमा करवाया, तो उन्होंने कहा कि सुबह जो है ना आप आकर ले जाए। बाकी रात के ये मनाजिर हैं दरबार पर। पट्टी खाने वाला सिस्टम तो हो गया डन, खाना भी हमें मिल गया, जो टेंशन थी वो भी हो गई ठीक। ये भाई हमें मिले हैं, तो इन भाई का शुक्रिया। ये हमें कह रहे हैं कि आपको जो है ना हम रात को कमरा मिलना बड़ा मुश्किल है, तो एक जो है ना साथ मस्जिद वो बता रहे हैं यहाँ पर आपको जो है ना ईज़िली आप सो सकते हैं। तो हमने यहाँ तक सहरी में तक स्टे करना है, सहरी जो है हम करने के लिए बाहर जो है ना चले जाएंगे। तो आपने भाई अपना तारुफ तो करवा दें।
मेरा नाम शहरयार है और मैं यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड हूँ। अच्छा, हाँ, महकमा औकाफ की तरफ से यहाँ काम कर। सही, बहुत शुक्रिया आपने हमें जो है ना रिहाइश का हमारी का बंदोबस्त किया। इसी साथ मस्जिद है, आप जूते यहाँ से उठा लें। अच्छा फरूक, हेलो, बच्चे वगैरह ना उठा लेंगे। चलो, कह रहे हैं भाई भाई जूते जो है ना इनका ख्याल आपने खुद करना है, तो ये हम जो है ना किसी जगह छुपा देते हैं। रोक अल्लाह बेहतर करे, अगे अल्लाह इतनी मदद की थी नहीं जांग दे। लेकिन ये हुआ है कि हम दरबार में वीडियो बना रहे थे तो पुलिस वाले ने बुला लिया, उसने कहा इधर आओ, उसने कहा आपको मैंने पहले भी देखा है शाम टाइम। हाँ। मैंने कहा हाँ हम खूबसूरत है ना। अच्छा आप व्लॉगिंग करते? मैंने कहा हाँ व्लॉगिंग कर रहे हैं। क्या सीन है आप यहाँ क्या करने हैं? मैंने कहा वैसे जो है ना हमारी एक किस्म की मन्नत थी कि हम रात को यहीं पर हमने स्टे करना। उसने कहा यहाँ पर आप स्टे नहीं कर सकते, मतलब एक खवातीन है बाकी कुछ लोग हैं। तो उसने एक बंदा भेजा है साथ, उसने कहा है कि आप, उसने मतलब एक बड़ा तआवुन किया हमारे साथ, बड़ा कोऑपरेट किया। उसने कहा एक मस्जिद है आप वहीं पर स्टे कर लें। पहले तो उसने मकान का नहीं बोला, क्योंकि मकान है। हाँ हाँ, वो कच्ची वाली। अच्छा आउटसाइड, दरबार के आउटसाइड पर? नहीं, हमने कहा नहीं हमने दरबार के अंदर ही स्टे करना है। तो उसने कहा एक ही ऑप्शन है आपके पास, आपको मैं आपके साथ भाई को भेजता हूँ तो वो आपको मस्जिद में ले जाते हैं, आप वहीं पर स्टे कर सकते। सिक्योरिटी बड़ी टाइट है, हर बंदे की हम पर नज़र है भाई। ये लोग जो दो है ना, एक ब्लैक कपड़ों में और एक ब्लू में, सामने चलते हैं। सामने फिर क्या करना है यार? यार अभी वो नमाज पढ़ रहा है। हाँ, इतने तक वहाँ से होके आते हैं क्या? आपके सामने सीरियल नंबर जो आपने पहले वीडियो में दिखाया था, एक रुपया भी हमारा अभी तक खर्च नहीं हुआ। खाने पीना बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जीरो रुपया। तो ये कल जो है हमने वापसी पर तो ये खर्च हो जाएगा। दिल था कि ये लगते लेकिन अल्लाह ताला ने हमारी बहुत मदद की है। बिल्कुल, खाना अल्लाह ताला ने हमारे लिए असबाब बनाया। कसम से सालम कितना मजेदार, बड़ा मजेदार रिहाइश का अल्लाह ताला ने सबब बनाया, वहां से लेकर यहाँ तक पूरा अल्लाह ताला ने हमारी इस माह रमजान में गोश्त खाया है? नहीं खाया, नहीं तो मैंने खाया आलू गोश्त और एक दफा आलू गोभी मैंने खाया, झूठ बोलना था मस्जिद में, लेकिन ये मजेदार था। जो बाहर वाली चीज, बाहर वाली चीज तो फिर अच्छी लगती है मुफ्त की, पता नहीं क्यों बाहर वाली चीज बहुत, तकरीबन 9:41 हो गए हैं 9 और 16 मार्च सैटरडे। अब ये काम आया ना, ये कंबल जो हम साथ लेकर आए थे ये ऊपर हम ओढ़ेंगे, बाकी अभी फैन भी चला देते हैं मस्जिद में फैन। कहाँ से चलना है, फैन रेगुलेटर भी इसका नहीं है। ये फैन भी चल गया, मच्छर बहुत ज़्यादा है और कीड़े मकोड़े नज़र आ रहे हैं। ये आप देखें, ये देखें फर्श पर बहुत जो है ना कीड़े मकोड़े फिर रहे हैं। अलार्म लगा देना सारी का, चेंजिंग करनी है वो कपड़े निकालो। अच्छा ये पहन ले, क्या मसला है आपको जॉइंट? ये क्या चीज है? मेरे दोस्त ने इसका नाम वो फरूक कहता है दरवाज़ा खोलो, मैं क्यों? कहता है जो डिडन ये जो फिर रही है ना इसको बाहर फेंको। मैंने कहा कौन सी डिडन? तो वो इस कीड़े का नाम ले रहा था। मैं तुम्हें पाड़ के रख देगा तुम, मैं पुत्र पंद्रह का पुत्र बन। रात को तंग नहीं करना क्योंकि हम परदेसी लोग हैं, हमने यहीं पर रात को रुकना है, सैरी करेंगे और निकल जाएंगे। आज रात के लिए हमें यहाँ पर स्टे करने दो, आज की रात के लिए हमें बर्दाश्त कर लो।